Hello everyone, my name is Akhil Chaudhary. I am a MSc Food Tech Research student. And here I am spending my day in my life as a Shulinian. दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती थी. हम सभी तैयार होकर इस तरह का व्यू देखने के लिए निकल जाते थे. ऐसे व्यू के लिए, ऐसे सनराइज के लिए कोई क्यों नहीं उठेगा. वैसे उठने की आपको ज़रूरत नहीं है. पक्षियों के चहचहाने से आप खुद न खुद सुबह 6 बजे या 5 बजे अपने आप ही उठने वाले. हम सभी नहा धोकर चल पड़ते थे मैस का नाश्ता करके यूनिवर्सिटी की ओर. यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है इतना खूबसूरत है कि आपके मन को भा जाएगा. और साथ ही साथ में क्लासेस लगाते थे. क्लासेस लगाने के बाद जब लंच ब्रेक होती थी तो सोचते थे कि नीचे जाना है या ऊपर नेस्कैफे के पास कुछ ना कुछ खा लेना है. और शाम को फिर कैंपस से अलविदा लेके हॉस्टल की तरफ चले जाते थे जहाँ हमारी मेस की चाय की प्याली इंतजार कर रही होती थी. चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते थे अपने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तरफ जहाँ हम सभी स्पोर्ट्स खेला करते थे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो या फिर जिम एक्टिविटी हो. जिस दिन एफ ब्लॉक नहीं गए उस दिन युवराज स्टेडियम में जाके फुटबॉल खेलना तो ज़रूरी होता था, या फिर कुछ ना हो तो ओपन थिएटर में आके अपनी थिएटर की एक्टिविटी करनी, या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग करनी, या फिर हॉस्टल के चिल जोन में जाके अपने दोस्तों के साथ वो लम्हे बिताने जिसका कोई मूल्य नहीं था. हम सभी साथ इकट्ठे होके अपने साथ वक्त गुजारा करते थे और ऐसी रात होने के बाद रात का डिनर करते और साथ ही साथ यारों के साथ महफिल लगाना भी नहीं भूलते थे. महफिल के साथ साथ अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो या एंजॉय करना हो, दोनों काम अच्छे से किए जाते थे. और रात को 3-3 बजे तक एक दूसरे को तंग करते रहना, बर्थडे सेलिब्रेशन करते रहना. ऐसा नहीं है कि मौज के साथ साथ पढ़ाई नहीं होती थी. मौज के साथ साथ पढ़ाई भी रोज़ करी जाती थी, चाहे वो ओवरनाइट स्टडीज़ हो लाइब्रेरी में या हॉस्टल में किसी के रूम में ग्रुप स्टडी हो, ये सब किया जाता था. और इसी तरह से हमारा सारा दिन निकल जाता था हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में और ज़िंदगी में. I feel proud being a part of Shulin University. Shulin University gave me a best student life in my whole student career. Thank you.